छाव ढूंढ के पहले गाड़ी के नीचे घुसा हुआ था, अब गाड़ी से साइड में निकल के यहाँ पे बैठे। हम लाहौर में रहते थे, मतलब आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, तो हम लाहौर में रहते थे अस्करी 2 में ब्रिज कॉलोनी। कब शेकअप रेडी शेडी, मुझे समझ आ जाती है कि भाई इतनी रेडी क्यों है। चलो आज 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 डांस करके दिखाओ। चलो इसके बाल थोड़े ट्रायंगल होते हैं यार। गाइस कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सुबह आसिफ भाई नहीं आए, मैं काफी लेट उठा, पता लगा कि आसिफ भाई नहीं आए तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार मुझे पहले बता देता कि मैं कुत्तों को खुद ही निकाल देता। पहले मैं ब्रूनो को छोटी सी वॉक पे लेके गया और फिर बिस्किट को लेके गया। क्या आप गेस कर सकते हैं कि बिस्किट कहां है? बिस्किट को मैं छोटी सी मतलब समझे आप गली के एंड तक लेके गया था और अभी कहां है? छांव ढूंढ के पहले गाड़ी के नीचे घुसा हुआ था, अब गाड़ी से साइड में निकल के यहां पे बैठा। अरे बिस्किट, नाउ यू विल रिफ्यूज टू वॉक, कि भाई मुझे चलना ही नहीं है, ये देखें ये अब लेट जाएगा, यही सीन है इसका। और आज इसे स्मेल बहुत बुरी आ रही है तो मैंने सोचा कि इसको नहला दूं, लेकिन मैंने इसको कभी नहीं नहलाया। और वॉल्स वाले की मुझे आवाज़ आ रही है, उन्हें बड़ा दिल कर रहा खाने का, मैं खैर उसको इग्नोर करते हैं। अब इसको मैंने कभी नहलाया नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे नहलाते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ब्रूनो को तो जोर जोर से मैं स्क्रब करता हूं, शैम्पू से ये उसको करके नहलाता हूं, इसको कभी नहीं नहलाया। इसको नहलाने के जो प्रिकॉशन है वो मैंने अनिया से पूछ लिए, वो कहती बाल्टी से नहलाना, ये शावर से डरता है, ये नहा के लिटरली इतना सा चूजे जितना निकलता है अंदर, ये शोर बड़ा करता है। अब ये देखें गाड़ी के नीचे फिर मिले बिस्किट, आ जाओ चलो अंदर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, चलो 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 वापस घर आते साथ ही मैंने सोचा कि पहले इसको अंदर डाल देता हूँ, जरा पानी वानी अपना पी लूँ, रिलैक्स हो जाए। और ये रिलैक्स कमी तो हाइपर ज्यादा हो रहा है। इसका टब भी भरना है, जरा इसका टब भर लेता हूँ। ये टब, ये मग और ये पीढ़ी हमने इसके लिए रखी हुई है, इसको नहलाने के लिए काफी काम आती है। जरा ऑन कर लेते हैं। जो ऑनेस्टली फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे मैं नई नई माँ नहीं होती हूँ, बच्चों को नहला रही हूँ सीढ़ी पे बैठ के बाल्टी से के आराम से जेंटली, क्योंकि ये भी तो छोटा सा टिड्डू सा ही है यार। बचपन में जब हम छोटे होते थे ना तो हम नॉर्मल शैम्पू नहीं यूज करते थे, मेरे बाल काफी सिल्की होते थे, मतलब ये तो थैंक्स टू एजिंग के बाल इस तरह के हो गए, लेकिन मेरे जो बाल होते थे वो बहुत सिल्की होते थे, मेरे माथे पे आ रहे होते थे और मेरी वो प्याला कट होती थी। अम्मा शैम्पू लाती थी जॉनसन जॉनसन का जो बेबी शैम्पू होता है, और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी वाला और इस तरह के काफी ज्यादा और शैम्पूज होते थे, तो वो नो मोर टीयर्स उसके ऊपर लिखा होता था। तो बचपन से ही कहीं हमारी मेमोरी में रह गया। हम लाहौर में रहते थे, मतलब आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, तो हम लाहौर में रहते थे अस्करी 2 में ब्रिज कॉलोनी। अब ब्रिज कॉलोनी में होती थी CSTSD, बेसिकली जो आर्मी सोसाइटीज थी उनका एक कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता था, उसकी फुल फॉर्म होती थी। बड़े टाइम बाद मुझे पता लगा कि CSD को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो वहां पर मैं जाता था जेट स्पोर्ट लेने। वो जेट स्पोर्ट भी उस टाइम आती थी तिनके के बगैर वाली, तो वहां पर होते थे जावेद अंकल। तो जावेद अंकल बार बार ना मेरे बालों को स्मेल करके बोलते थे कि बेटा आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, तो मैं उनको अंकल वो जॉनसन एंड जॉनसन अम्मी लाती है। तो हर हफ्ते ऑलमोस्ट मेरे से पूछते थे कि अब कौन से वाला है, अब कौन से वाला है। तो वो नो मोर टीयर्स जो था वो मेरे दिमाग में रह गया। और अभी मैंने देखा तो जरा मुझे बचपन याद आया कि जी टीयरलेस एक्स्ट्रा जेंटल, मैंने कहा यार हमारे टाइम पे इंसानों के लिए होते थे, अब इस टाइम पे कुत्तों के लिए भी आ गए, मतलब इतने सेंसिटिव। टीयरलेस एक्स्ट्रा जेंटल पपी शैम्पू, वुमेन्स चॉइस अवार्ड, नो पैराबेंस और अल्कोहल, ग्रूमर्स बेस्ट डॉग शैम्पू, शैम्पूइंग पोर शीन्स, जैस्मिन सेंट, यार मतलब हद हो गई यार। में स्टेप नंबर 1 है शैम्पू, ये भी हो गया, और ये है इसका लाल तौली, मतलब इससे सुखाएंगे और इसके अंदर गुम्मी जाएगा बिस्किट। चलो आओ ना, आजो आजो गुड बॉय, आजो 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 डांस करके दिखाओ। चलो वही वाला डांस करो, हाँ गुड बॉय, चलो चलो। बहुत स्मेल आ रही है तुमसे, बड़ा मुश्किल है इतने छोटे कुत्ते को नहलाना। ब्रूनो तो घुबड़ा है, एक तो उसको पानी भी अच्छा लगता है, इसको तो हल्का सा मैं बाल्टी से वो मग से पानी फेंकता हूँ। और अब इसके बाल थोड़े ट्रायंगल होते हैं, इसको मुश्किल है यार, मतलब ये देखिए ये छोटा सा क्या अंदर से लूमड़ी निकला है, ये डॉगी नहीं है ये लूमड़ी है। और मैं मतलब इसको नहलाने के चक्कर में मैं आधे से ज्यादा गीला हो चुका हूँ। ये जनिया ने पहले से प्रिकॉशन दिया था कि जब तुमने इसको नहलाना है तो तुमने, क्योंकि तुम गीले हो जाओगे तो फिर तुम गंदे कपड़ों में करना। मैंने कहा ओके, गाइस फाइनली बिस्किट को नहला दिया और इसको नहलाना वॉज अ टास्क, इस लेवल की टास्क थी कि भाई अकेले तो हो नहीं रही थी। मैंने हमना को आवाज़ दी, मैंने कहा प्लीज़ यार मुझे हेल्प चाहिए, एक हाथ से मैं बाल्टी से पानी उल्टाऊँ और एक हाथ से इसको पकड़ूँ, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये इसको देखे जरा जिस तरह कहाँ पर है, मैंने निया से पूछा, मैं कही यार ये नॉर्मल है, कहती हाँ हाँ शिवर शिवर करता है। ये अंदर से इसके निकला है लूमड़ी, ये छोटी सी लूमड़ी है हमारी। बस छोटे कुत्तों की बड़ी मेंटेनेंस होती है भाई, मतलब नहलाना काफ़ी नहीं था, ड्राई करना काफ़ी नहीं था, तौली में लपेटना काफ़ी नहीं था, अब इसको ब्लो ड्राई करना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुत्ते को भी ब्लो ड्राई करूंगा, मतलब मैं इतना रफ एंड टफ ये बेचारा कुत्ता है मेरा कि इसको मैं नहलाता हूँ खुद ही यूं 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 करके ड्राई हो जाता है, आराम से इसको छोड़ देता हूँ ड्राई होकर खुद ही वापस नीचे आ जाता है। लेकिन ये भाई साहब ना 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 ना, अभी हमने इसको गोद में बिठाया था ट्राई करने के लिए, हमने कहा सो गया, वेरी स्पॉइल्ड यार, ब्लो ड्राई टाइम। गुस्सा
इतना गुस्सा तो मम्मी भी नहीं करती जी। फाइनली नहा दिया इसको मैंने, और इसको मैंने ब्लो ड्राई भी कर दिया है, लेकिन इसने सही तरीके से करने नहीं दिया भाई। बहुत उसको याद आ रहा था शायद अपना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बाय रे। बिस्किट को ड्राई करने के लिए टेरेस पे छोड़ देता हूँ, थोड़ी धूप भी सेके। चलो जी हैव फन, धूप लगेगी जरा। स्मेल स्मेल जो तुमसे आ रही थी ना वो भी चली जाएगी। अगर आप ये सोच रहे थे कि आज सिर्फ बिस्किट नहाए हैं तो आपकी गलत फहमी है। आज सारे नहाए हैं भाई, ये भी ममली भी नहाई। ममली को ज्यादा शिविर कर रही है, और ममली तो प्रॉपर ग्रम्पी कैट बने। ग्रम्पी कैट मैंने अम्मा को बोला कि इसको ब्रश करती रहे, इसका ब्रश हो रहा है। बस फाइनली 3 घंटे बाद बिस्किट साहब की सारी ग्रूमिंग हो चुकी है। ये अब इस तरह कुछ दिख रहे हैं, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी फ्लफी हो चुका है। लेकिन ये इसने बड़ा तंग किया यार, मेरा आधा दिन जाया करा दिया इसने। बस मैं नहा धो के जरा मैं किचन में आया कि मैं देखू मेरा खाना पका हुआ या नहीं। एंड आपके साथ ही बम्प्ड इनटू समवन, आई डोंट नो ये कौन इतनी हसीना है। ये देखिए ओहो, मेकअप शेकअप रेडी शेडी। मुझे समझ आ जाती है कि भाई इतनी रेडी क्यों है, जब ये मैं छोटे छोटे प्याले देख लूं तो ये आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूं। किस चीज की रेसिपी है आज? नानो की उसकी रेसिपी है, टिक्के की। नानो के, नानो की बड़ी फेमस डिश थी। मैं आज वही खा लूं? खा लेना। गाइस हमारी ना वालदा ने कल हमें वैसे बोला था बड़े प्यार से कि मैं तुम्हें ना कल फिश बना दूंगा, और मैंने सोचा हाँ हाँ क्यों नहीं, मतलब नेकी और पूछ पूछ। लेकिन यार खाना कोई भी नहीं है, चिकन तो छोड़ ही देना, फिश भी नहीं है। वो देखो, वो देखो क्या मैरिनेट हुई हुई है, बना रही हूं, वो देखो। कितनी देर लगेगी? 5-10 मिनट लगेंगे इसमें। बस फ्राई करनी है? हाँ। एयर फ्राई कर देना फिर। एयर फ्राई कर दूं या स्टीम या एयर फ्राई? वही स्टीम कर रही ना, ये निकाल दो जरा। क्या वो ग्रे वाला? ये लो। चलो सही है, इसमें बनेगी। हाँ। फिश कौन सी अम्मा? वही ले ली थी उस दिन। कौन सी? वो रेड स्नैपर। हाँ, पता नहीं कौन सी कांटे को बगैर है जो। हाँ रेड स्नैपर। ये अम्मा ये चिकन है? मैं ये कौन सा चिकन है? अच्छा ये मेरा वो रेसिपी वाला है, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा यार इसमें तो चिकन है। ये अम्मा ये मुझे पूरी नहीं होगी रात तक। ये देखो इसका वजन देखो। हाँ लेकिन ये कम है, बहुत ज्यादा है अम्मा। अम्मा फिश तो ज्यादा खाता हूँ मैं, वगैरह कुछ नहीं है ना। अरे बहुत ज्यादा है, पेट भरेगा। चलो वजन करके देखते हैं भाई कितनी है। तो काफी अच्छा साइज, आई थिंक 500 ग्राम से तो ऊपर है। लेकिन फिश का एक बड़ा प्रॉब्लम है, आप चिकन खा लेना आपको लगता है ठीक है मेरा पेट भर गया, फिश आप कहते हैं खाता जाऊँ और पेट नहीं भरता फिश से उस तरह से। लाइक इट्स वेरी यमी वेरी टेस्टी, पेट नहीं भरता यार, उसका क्या करना। इस निगुज़ किचन को लाइट सेटअप करके देनी है, ये मैं लाइट लेके जा रहा हूँ कि अम्मा को लगा के दूँ उनकी रेसिपी के लिए, क्योंकि जो भी है इंटरनल लाइट हमेशा काफ़ी नहीं होती, आपको हमेशा ये लगानी पड़ती है। तो ये अभी सेटअप करेंगे। पहले आपकी फिश पकने के लिए साइड पर रख दूँ ना। ये क्या है अम्मा? वाइट वाइट क्या? कॉर्न फ्लावर। नमक है? नमक क्या? अब आप जाओ ना, हम बना रहे हैं। अच्छा और चावल? चावल भी चाहिए। हाँ तो किसके साथ खाऊंगा? रोटी के साथ। अच्छा चावल बना रहे हैं। चावल अम्मा इतने बटर में बनानी है क्या? ये तो पानी ही सारा इसके अंदर होता है इस वाले बटर। क्या मतलब? अच्छा ये प्रोसेस वाला नहीं है ना, तो घर का है, इसमें पानी होता है ज्यादा। अभी देखना इसको गर्म करो। देसी मक्खन भी जो होता है ना गाइस, प्लीज मेक नोट्स के वजन करके डालें। और चावल भी खत्म हो गए, अभी ग्रोसरी करने जा रही थी मैं। तो अम्मा मैं किससे खाऊंगा, जरा कम कर देना प्लीज। मेरी फिश फाइनली रेडी है, लेकिन फिश नहीं है, फिश के साथ कुछ और भी है। मैंने कहा मैं आपको जरा दिखाता हूँ। सो ये मेरी प्लेट है रेडी, इसके अंदर ये रेड स्नैपर फिश है, ये भी रेड स्नैपर है, ये अम्मा ने मुझे अपनी रेसिपी वाला चिकन बनाया है, ये वो है, और पूरे घर में इस चिकन की स्मेल आ रही है इतनी मज़े की, मतलब मुझे जैसी स्मेल है मैंने कहा अम्मा फिश के साथ ये भी चाहिए। अम्मली को मेरी फिश की स्मेल आ गई, दो दफ़ा खिला भी चुका हूँ, लेकिन भाई ये बस यहीं बैठेंगी और नहीं तो मैं नहीं मिलेगा। सॉरी गाइस, अम्मा बिस्किट को टेरेस से लेके आए, सो गए अम्मा की कोरी, खेल खेल के थक गया था, साफ सुथरा हुआ हुआ, लाड़ियाँ उठा रही हूँ। रोज ही उठाती हूँ गोद में, कोई नहीं अम्मा रोज एक टाइम जरूर उठाती हूँ, इसलिए वो बेचारा अकेला फील ना करे। अभी उठेगा तो खाना दे देना उसको। जैद तो साजिद से मिले हुए काफी टाइम हो गया था, मतलब आई थिंक 3-4 दिन हो गए। जैद तो जिस दिन से आया है उस दिन मिले नहीं है, वो सिर्फ बाय बाय बोलने के लिए आया था और लिटरली 5 मिनट में निकल गया। तो मैंने इसको पिक कर लिया, मैंने कहा यार जरा चलो जरा साजिद की तरफ हाजिरी लगा के आते हैं, पहले हमने सोचा था इसके घर बैठते हैं, तो प्लान स्विच किया, मैंने कहा यार सेम सेक्टर में सेम ही जगह पे तो साजिद के पास जाते हैं, जरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगी, जरा जगह डिफरेंट होगी, जरा हमें थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फील होगा। तो हम ये साजिद के अपार्टमेंट आ गए, तो हमने कहा जरा वहां पे बैठ के जरा चिलिंग करते हैं। सलाम करो YouTube मेरे को। वालेकुम। मेरे YouTube को मुझे नहीं। अच्छा वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ये कह रहा था कि एनवायरनमेंट हमारा चेंज हुआ है, बट हमारी तुम इनको बताओ कि तुम थे का
मैं इधर ही था, कराची में था, फ्लैश मेरे मुंह पे मार रहे हो तुम। यार इन लोगों को पता है सारों को कि मैं कराची में ही था, जिन लोगों को नहीं पता वो देख ले मेरे यूट्यूब में। बाकी सेकंडली ये कि मैं कहने लगा था माहौल चेंज हुआ है, बातें और बकवास हमारी वही रहनी है, तो साजिद वेट कर रहे ऊपर इससे पहले कि वो गाइस इसकी नीचे है। आप लोग बताएं इसकी ना स्किन केयर हमने रूटीन स्टार्ट की थी, आप जैद की वीडियोस में जाके देखें। जैद का अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जैद का चैनल सब्सक्राइब करें, और आप जैद की वीडियोस में जाके पुरानी जैद की स्किन देखें और अब बताएं और इस वीडियो से कंपेयर करें और फिर कमेंट करके बताएं कि मेरी स्किन, क्योंकि हम सारे बॉयज ने स्किन केयर गेम ऑन किए, ये बताएं कि जैद पर गए। ये मुझे एक्स्ट्रा मक्खन लगाने के लिए बोलते हो जी बेहतर हो रही है बेहतर, मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों मक्खन लगाऊंगा, कमेंट करके लोग नहीं बताएंगे इस वाली वीडियो। गाइस कमेंट्स कमेंट्स से बताएं, कमेंट है मैं नहीं मानूंगा तब तक। चलें चेक करते हैं कमेंट्स। इसके अपार्टमेंट की जो रिटायर्ड लिफ्ट है ना, इस पे बड़ा मुझे डर लगता है। और आपको मजे की बात बताता हूँ, इसके लिफ्ट के अंदर पंखे लगे हुए हैं, कभी आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। या तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होता, ये एयर कंडीशन होते हैं, यहाँ पे तो भाई साहब पंखे लगे। ये आ रही कि नहीं, मजाने वाली है। इसमें हम बटन दबाते हैं कौन से फ्लोर जाना है, लेकिन ले गए अपनी मर्जी से। यार एक दफा मेरी एक लिफ्ट थी, वो इस तरह हिलने लग गई भाई जान, मुझे लगा मैं वापस नहीं आने वाला। ये आ गई ग्राउंड फ्लोर, पंखा किधर, ये देखें, ये तो डर बड़ा लगता है इसमें। यहाँ पे देखें ये पंखे लगे हैं, प्रॉपर पंखे शंखे सिस्टम। सेवन ये साजिद का अल मशहूर दरवाजा है, जिसमें दो लॉक्स हैं, जिसका कोई तुक नहीं है, और अगर इसमें से कोई ना खुले तो ये वाला जो दरवाजा है ये हमेशा, इसमें भी दो हैं यार, ये हमेशा खुला होता है। ये देखें, ये अगर 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 यहाँ से कोई ना खुले तो आप यहाँ से चले जाएं, अगर यहाँ से ना खुले तो आप यहाँ से चले जाएं। ये सिक्योरिटी ये खोल लें, वो खोल लें, सिक्योरिटी ये है टाइट। मैंने कहा यार ये एक खुला क्यों होता है, कहते कुछ नहीं वैसे तसल्ली होती है। साजिद साहब लोगों को मिलवा नहीं सके क्योंकि साजिद भाई बहुत बिजी थे, तो हम थोड़ी देर उनके साथ बैठे और हमें जरा जल्दी थी, लेकिन जल्दी करते करते भी ये हमें तकरीबन एक बज ही गया, तो एक बजे इन भाई को हम ड्रॉप करना है। चलो जी मिलते हैं इंशाल्लाह, ओके ओके अल्लाह हाफिज़। जितनी देर मैं बाहर गया था मुझे भूख काफी ज्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, इसलिए क्योंकि जो अम्मा ने चिकन बनाया था यार, इट वाज सो गुड सो गुड लाइक सो गुड, इट ब्लू माय माइंड अवे। एंड मैंने भी फ्रिज खोला ही है, शक्ल से लाइक इतना मजे का लग रहा है ना, मतलब मैंने खाया था बट उसको जरा फ्रेश करने के लिए एयर फ्राई करते हैं थोड़ा सा, इसको ऑन करो। भूख काफ़ी लगी हुई है तो मैं लूँगा, ये कितने ग्राम है यार, 100 और 200 300 एंड एक ले लेते हैं यार, बस 360 डिसाइड कर लेना यार। अच्छा 362 grams, इसको करते हैं 7 minutes एंड 180 degree स्टार्ट। को वापस रख दूं। अच्छा चावलों का ठीक ठाक जुगाड़ किया क्योंकि घर पे चावल थे नहीं, मतलब खत्म हुए थे, तो ये बाहर से ये किसी चाइनीज स्टॉल से हमने ये चाइनीज फ्राइड राइस मंगा लिया, मैं चलें इससे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली काफी अच्छे थे, चावल भी गर्म हो गया, चिकन भी हो ही गया ज्यादा हो गया ना, यार ऑनेस्टली ये चिकन इतने मजे का है ना। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो अम्मा के चैनल पे जाके देखिएगा और जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज अम्मा हैज एवर मेड, मतलब इतने मजे का चिकन मैंने कभी नहीं खाया, बहुत मजे का। वी आर डन, बस खाम और सो। तो चलें गाइस आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।